别再管你了。एक साइड में पुत्र के दे दें पीज नमस्कार मेरे YouTube परिवार, एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल साधु जर्नी पर है। और ये है गांव करनी सर, लूणकण सर तहसील में बीकानेर जिला है। और इसी गांव से जब सबसे पहले मैं यहां पर आयुर्वेदिक दवाएं बेचने के लिए यहां पर आता था, आयुर्वेदिक जो सामान है जो बेचने के लिए मैं इस गांव में आता था, तो यहां से मुझे वो प्रेरणा मिली, गाय चराने वाली ठाण लगाने वाली प्रेरणा इसी गांव से मिली थी। क्योंकि ये जो टाडा आप देख रहे हैं, यहां पर ज़्यादातर गायें रहती हैं हर 24 घंटा। और इन्हीं गायों को चराने के लिए एक महानुभाव हैं, एक धर्म पुण्य आदमी हैं जिन्होंने यहाँ पर, देखो ये ठाण लगाया था, मैं आपको अभी जो ठाण है वो दिखा रहा हूँ। ये ठाण है देखो, ये देखो ये ठाण है। और यहाँ पर जो ये सुन्नी भूखी, ये देखो छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हैं अभी, तो इस प्रकार से कोई न कोई यहाँ पर इनको चारा डाल देता है और ये यहाँ पर चारा खा लेती हैं। ये टाडा है, करनी सर गांव का टाडा है ये, और इसी टाडे में ये ठाण लगे हुए हैं। एक ही ठाण लगा हुआ है, एक ठाण लगा हुआ है, सार्वजनिक है। यहाँ पर तो सिस्टम ये है कि जैसे ये देखो, ये पिकअप जा रही है, अभी जो पिकअप जा रही है ये जो चारा लेकर के आएगी, तो इस तरह से अगर कोई धर्मात्मा है तो इस ठाण में जैसे एक दो तंगली भर करके डाल देता है, या फिर कोई गाड़ा लेकर के आता है तो वो गाड़े वाला एक दो मतलब छाला उसमें चारा डाल देता है। और उसी प्रकार से इस ठाण में ये जो सार्वजनिक रूप से यहाँ पर टाडे में जो गायें हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं गायें, ये देखो, तो ये भूखी सुन्नी जो गाय हैं वो गाय ये चारा चर लेती हैं। अभी तो यहाँ पर बहुत कम है गाय, बहुत ज़्यादा गाय रहती हैं, ये टाडा पूरा गायों से भरा रहता है यहाँ पर, ये देखो पूरा का पूरा। ये करनी सर गांव का टाडा है और इसमें मंदिर भी, बालाजी का मंदिर है, मनसापूर्ण बालाजी का, ये बालाजी का मंदिर है करनी सर में। गौचर की है जमीन तो गौचर की जमीन में ही है, तो अभी जिसकी व्यवस्था से चारा की है, जमीन तो गौचर की है, जमीन स्कूल की है। तो यहाँ करनी सर के ये जो महानुभाव बैठे हैं, इन्होंने बताया कि गायों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था बना रखी है, टाडे में एक सार्वजनिक जगह पर ठाण लगाना, और इसके अलावा भी बा गाय ने भी ठाण बना गई, मतलब नीरो या अलग जिया बना रखी मतलब, हाँ व्यवस्था बना रखी है, पानी पुणी और खेल पानी बलदेव जी मार। ये देखो तरीका इनका बच्चों को खिलाने का, सुलाने का, ये तो बहुत जोरदार तरीका, मुझे बहुत पसंद आया ये। बच्चे मतलब है एकदम, ये देखो सोए हुए हैं आराम से। ये शायद करनीसर गांव में यहाँ कोई पंचायत भवन बना है, ये देखो अभी नई बिल्डिंग बनी है। ये पूरी की पूरी बस्ती है जो देखो, गाड़िया लवार बोलते हैं इनको, और इन्होंने यहाँ करनीसर में डेरा डाल रखा है। बहुत ही विकट स्थिति है, अभी क्या है कि किसान का काम करने का समय है और ये सब किसान के यंत्र ही बनाते हैं, कोई दांती है, कुहाड़ी है, कस्सी है, घोड़ा है, जेई है, चौसंगी है, ये मतलब बना करके, या फिर इनका पन्ना करना, उनको यही काम है इनका। और इन गांवों की फिलहाल इस समय
जो अभी जो समय चल रहा है ये दिवाली के आसपास का और दिवाली के बाद तक ही देखो ये दिनचर्या है। सुबह सुबह ये अपनी गाय भैंस छोटे बड़े जो भी हैं लेकर के और गांव से खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं और खेतों में चरा करके लेकर के आते हैं, क्योंकि इस समय जो है फसल कटाई का समय है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि भाई अपने धन पशु को लेकर के खेतों में रवाना हो जाते हैं सुबह सुबह, तो ये प्रत्येक गांव की देखो यही ये है चाल है, यही चाल डाल है। इस गांव में भी ये जो मनाफरसर गांव है इस गांव से ये अपने खेत की तरफ लेकर के गायों को रवाना हो गए हैं। ये मनाफरसर, राजपरिया और कृष्णासर, करणीसर बहुत ही मतलब है उन्नत किस्म की अच्छी अच्छी गायें हैं इनके पास। ये गांव घी दूध वाले बोलते हैं। यहाँ कभी पानी की किल्लत हुआ करती थी, घी दूध फुल मिलता था। ये किसान देखो अपना खेती का कार्य करने में लगे हैं। अभी ये जो थ्रेसर यहाँ पर चल रहा है ये गवार निकाल रहा है, देखो गवार निकाल रहा है। ये देखो गाय अभी अभी जो मैं बता रहा था ये लेकर के आ गए हैं खेत में, और ये देखो ये भेड़वाड़ में चरने भी लगी हैं यहाँ पर। रामलाल जी नाइक गांव गेडाप जिला चूरू से 101 रुपया। नौरंग जी गोदारा गांव जाक बिद्दासर चूरू से 251 रुपया। एक गोमाता भक्त नगर बहादुरगढ़ झज्जर हरियाणा से 151 रुपया। और फूलचंद जी मेघवाल गांव तोलियासर रतनगढ़ चूरू से 111 रुपया। दिल से आभार मेरे यूट्यूब परिवार। अगर आप साधु जर्नी चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में गाय एवं गरीब सेवा साधु जर्नी ट्रस्ट का QR कोड दे रहा हूं, उसी पर धनराशि भेजने के बाद आप मेरे WhatsApp नंबर 7976918580 पर स्क्रीनशॉट्स अवश्य ही भेजें ताकि मैं पूरा पूरा हिसाब किताब रख सकूँ। धन्यवाद।